सर ये भी बहुत गलत ख्याल है, कहाँ कुदरतुल्ला शहाब और कहाँ मुमताज मुफ्ती, ये बहुत ही गलत ख्याल है। असल वजह यह है कि मुमताज मुफ्ती कुदरतुल्ला शहाब का डॉक्यूमेंटलिस्ट था। ये भी अल्लाह का निज़ाम है, ऐसा है कि जब वो कोई बड़ा आदमी पैदा करता है तो उसकी शहादत भी साथ पैदा करता है। अगर उसने फ़र्ज कीजिए ख्वाजा फरीद पैदा किया, ख्वाजा फरीद अगर अल्लाह मियाँ ने पैदा किया और उसने अल्लाह की याद में कुछ लिखा है काफियाँ, तो वो आबदा परवीन भी पैदा करेगा जो उसको 300 साल के बाद गाएगी। यानी इसको आप इस निगाह से देखें ना कि 300 साल हो गए ख्वाजा फरीद को मरे हुए, लेकिन उसकी शायरी नहीं मार सके आप, चूंकि कोक स्टूडियो में वही गाता है आज। तो इसलिए अल्लाह का ये निज़ाम है कि वो जब कोई बड़ा आदमी पैदा करता है तो वो शहादत भी पैदा करता है। तो मुमताज मुफ्ती शहादत देने के लिए आया, समझ आए, मुकाबला नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बिल्कुल गलत ख्याल है कि मुमताज मुफ्ती जो है उसने कुछ भी लिखा हो कुदरतुल्ला शाह की किताब में, ऐसा कुछ भी नहीं।